हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गोल्डन मुर्ग। काफ़ी मज़े का बनता है और बनाना काफ़ी आसान है, तो आइए आपको दिखाते हैं गोल्डन मुर्ग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं चिकन शॉप पर, जहाँ से हम हमारे लिए लेंगे चिकन। उसके बाद चलते हैं मसाला शॉप पर। ये है फैजान भाई, यहाँ पर मिलता है गोल्ड का रेडीमेड मसाला और अभी हमारा इन्होंने मसाला पैक कर दिया। तो अभी हमने हमारी सिगड़ी जला ली और उसके ऊपर हमने हमारे पतीला जो है हांडी जिसे कहते हैं उसे रख दिया सिगड़ी पर और वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अभी उसमें हम डालेंगे देसी घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये बैठी है हमारी पूरी मंडली जो खाना बनने का इंतजार कर रही है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब उसे हम घी में से बाहर निकाल लेंगे। घी हो या कुकिंग ऑयल हो, जो भी हो, जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो उन्हें घी से बाहर निकाल लें। और प्याज को बाहर निकालते वक्त याद रखें कि उसका जो ऑयल है उसे अच्छे से निकाल लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी ताकि लहसुन पैंदे पर लगे नहीं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। जब लहसुन का अच्छे से भुनाव करना है और जब वो इस तरह से इकट्ठा हो जाए और उसका इस तरह से दाना दिखने लगे, जिस तरह मावे के टाइप वो दिखने लगे, तब उसमें हम डालेंगे दही। दही आप टेस्ट करके लें, ज़्यादा खट्टा होगा तो आपके जो डिश आप बना रहे हो उसका स्वाद बदल सकता है, इसलिए आप दही पहले टेस्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग डालें। दही का भुनाव होने देंगे। अभी इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ले लें और अच्छे से दही का भुनाव होने देंगे। लहसुन डालने के बाद और अदरक डालने के बाद लगातार आप चलाते रहें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक और अदरक का भी भुनाव अच्छे से कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मोटी लाल मिर्च, सौंठ और थोड़ा सा पानी, मोटा धनिया थोड़ा सा हाथ में दरदरा कर लें। उसके बाद इसको डालें हल्दी पाउडर जो कि हमारे मुर्ग को गोल्डन करेगा। ये रहे हमारे प्याज, ये सूख चुके हैं, इसे भी हम दरदरा कूट रहे हैं। हल्दी का भुनाव होने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपकी ग्रेवी इस तरह मावे नुमा दिखने लगे तब इसमें हमें चिकन ऐड करना है। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे गलने दें और भुनाव होने तक पकने दें। लगातार आप अपने डिश को बीच में से चलाएं, अगर लगातार साइडों से चलाएंगे तो आपका चिकन टूट सकता है, इसे बीच में से चलाएं। और ये हमारे प्याज जो हमने बारीक पीस लिए हैं इसको हम मसाले में ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से पकने देंगे। अभी हमने लिए इसमें लौंगा मिर्च। लौंगा मिर्च आपने स्वाद अनुसार डालें, काफ़ी तेज होती है, बदले में आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अपने मुर्गे को गोल्डन रखना है तो आप इसमें लौंगा मिर्च डालें। थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला साइडों में लगा हुआ है वो ग्रेवी में मिल जाए। इसे अच्छे से पकने देंगे। धीरे धीरे हमारा जो ग्रेवी है वो पकने लगा है, इसमें दाना आने लगा है। दाना मतलब होता है जैसे मावे नुमा होता जाता है, जो पूरी ग्रेवी होती है आपस में सख्त होती जाती है। अभी वापस इसमें हम डालेंगे जो घी हमने बचा रखा था, ताकि जो इसमें ऑयल है वो अच्छे से आ जाए और इसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। खाना आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, घी में, लेकिन जो बनता है घी का मज़ा कुछ और होता है। ये देखिए हमारी ग्रेवी लगभग तैयार होने लगी है और हमारा जो चिकन है वो गल चुका है। चिकन जब लेग पीस से गोश्त छोड़ने लगे तो वो एक निशानी होती है कि हमारा चिकन गल चुका है। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। धीरे धीरे हमारे गोल्डन मुर्ग में रंगत आने लगी है, ये गोल्डन होता जा रहा है और ये काफ़ी मज़े का बनता जा रहा है। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार होने वाला है, उसकी ग्रेवी कितनी मज़े की होने वाली है।
इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने ली है बड़ी वाली। धीरे धीरे हमारी ग्रेवी काफी मजे की पकने लगी और काफी जबरदस्त खुशबू इसमें से आने लगी है। अभी हमारे सालन को और अच्छे से भुनने देंगे। दोस्तों गोल्डन मुर्ग काफी मजे का बनता है, मैंने पहले भी कई बार ट्राई कराया तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। तो धीरे धीरे हमारा गोल्डन मुर्ग रेडी होने लगा है। इसमें भी हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और लगभग 90% हमारा गोल्डन मुर्ग रेडी हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं बाजार थोड़ी मिठाई लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, रोटी लेने के लिए। तब तक हमारे मुर्ग को हम पकने देंगे। तो अभी हम आए जगदम्बा स्वीट्स पर जो है आमेर में, और इनकी मिठाई काफी मजे की है। तो अभी हम ले रहे हैं हमारे लिए बंगाली मिठाई। इनके पास काफी सारी वेरायटी है और काफी ताजा माल यहाँ पर मिलता है। तो अभी हम लेंगे हमारे लिए ये बंगाली मिठाई। उसके बाद हम आ चुके हैं वहाब होटल पर, जहाँ की रोटियां काफी मजेदार हैं। आमेर में वहाब होटल, जहाँ की रोटियां काफी मजेदार हैं, काफी ताजा रोटियां देते हैं। और रोटी और हमारा मीठा लेने के बाद हम आ चुके हैं वापस हमारी महफिल में, जहाँ हमारे दोस्तों ने रेडी कर लिया है गोल्डन चिकन। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, गोल्डन मुर्ग की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।